इस बात से पीड़ित हूँ क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते कभी। और मैंने बड़ी बात कही थी जब राकेश टिकैत जी ने कहा था कि मैं वहाँ आया, पहले तो हमारे दूसरे विधायक का नाम लिया सुनील शर्मा जी का, उसके बाद मेरा नाम लिया गया कि मैं वहाँ आया 80 राइफल लेकर के आया। नेक्स्ट डे उनका बयान आया कि मैं 500 राइफल लेकर आया। तो तब मैंने कहा था कि अगर मैं उस दायरे में 20 किलोमीटर के भी एरिया में, मेरी विधानसभा वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पड़ती है, अगर 20 किलोमीटर के दायरे में भी गया हूँ तो मैं अपनी राजनीति से छोड़ दूंगा और समाज में मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये बात उसी टाइम समाप्त हो जानी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए, हम तो जा रहे थे, हमने तो आंदोलन को समाप्त कर दिया था, लेकिन क्योंकि लोनी विधायक आए और उन्होंने हंगामा कर दिया और वो मंच से उन्होंने जिस तरह से जो भी लोगों को भावनात्मक जो अपील की उसके कारण जो है आंदोलन बढ़ा है, तो मैं इसलिए रुका हूँ, मतलब मैं, मेरे कारण वो वहाँ बैठे हैं। तो जब मैंने इतनी बड़ी बात कह दी और उन्होंने इस बात को, कल मेरे पास कुछ लोग भेजे अपनी यूनियन के, तो भेज करके उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहते हैं और उनका कहना है कि ये गलतफहमी हुई है, तो ये टकराव ना हो आपस में समाज का, इसलिए वो बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा मेरा कोई टकराव किसी से नहीं है, मैंने कभी टिकैत को देखा नहीं ना मैं जानता ज़्यादा उनको, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसको मन से कह दें, अगर भाई गलतफहमी हुई है तो पूरे देश में चला जाए और मेरे कारण आंदोलन कर रहे हैं तो अपना वहाँ से फिर वापिस अपने घर जाएँ। तो मेरे कारण ही बैठे थे ना, और उन्हें पता चल गया कि मैं नहीं था तो वो वापिस चले जाएँ, तो लेकिन हम बात नहीं करेंगे। तो ये मेरा कहना था कि अगर कहीं भी आजकल मेरी लोकेशन भी और लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो जाए, कोई भी किसी तरह का भी, जब मैं नहीं गया और उन्हें भी पता है और पूरे प्रशासन को पता है, उस टाइम जिलाधिकारी गाजियाबाद ने भी मुझे फ़ोन किया था जब टिकैत ने मंच पे इस तरह की जो शुरू किया वहाँ, तो उनका फ़ोन आया कि विधायक जी कहाँ हो, तो मैंने उनसे कहा, DM साहब में एक पत्रकार हमारे थे, उनको चोट लगी थी, मैं उनके पास आया हूँ किसी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि आप गाजीपुर आ रहे हैं क्या, मैंने कि बताओ आ जाऊँगा, क्या मामला गाजीपुर, बोले नहीं आना नहीं है, वो स्पीकर ऑन करके उन्होंने उनको सुनवाया, ऐसा जिलाधिकारी गाजियाबाद का कहना है। तो ये बात तब भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों हमें बदनाम किया गया, तो उसके कारण पूरे देश के अंदर समाज के लोगों ने जगह जगह जो भी आंदोलन हुए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जहाँ भी समाज के लोग थे और बड़ी बड़ी पंचायतें लगातार चली, और ये तय किया समाज ने कि 7 तारीख में वही धरने पे महापंचायत होगी जिसमें 10 लाख लोग पूरे देश के भाग लेंगे और ये पूछेंगे कि हमारे समाज को बदनाम करने के लिए या हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा क्यों किया। ये मेरी कॉल नहीं थी, ये समाज की कॉल थी, और उसमें आज 6-7 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। मान्य कि हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी ने सबको कॉल किया है और हमारे पार्टी के और समाज के नेता हैं, तो उन्होंने जो फैसला किया ये अभी बैठक में अभी जो मीटिंग हुई है 1 घंटे पहले, उसमें तय हुआ कि इसको वापस लिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी यही मंशा थी जो माननीय मंत्री जी ने बताया, और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी किसान के बारे में कभी गलत सोच नहीं सकते। और मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ और गांव में रहता हूँ, खेती करता हूँ आज भी, अगर ये तीनों बिल पास होते तो किसान की ज़िंदगी बदल जाएगी, सब लोग आज़ाद हुए आज़ादी के बाद, लेकिन किसान जो आज़ाद नहीं हुआ था वो मंडियों में वो तमाम जगह बंधक था, आज किसान 74 साल की आज़ादी के बाद पहली बार आज़ाद हुआ इन बिलों के द्वारा, और ये पूरे देश का किसान जानता है। तो ये मेरा तकलीफ थी, तो वो समाज में माननीय कृष्णपाल जी ने सभी समाज के, हम समाज से बड़े नहीं हैं, कई राज्यों के लोग अभी बैठे भी हैं, कश्मीर के लोग आ रहे हैं, तो ये जो फैसला हुआ है हम उस फैसले में माननीय मंत्री जी के साथ हैं, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो भी माननीय मंत्री जी से कहा है हम उसके साथ हैं, और हम 7 तारीख का जो वहाँ रैली थी और ये तय होना था कि अगर टिकैत की गलती है तो उन्हें बुलाया जाएगा, और मेरी गलती है तो मैं जाने के लिए तैयार था, उसको समाज ने वापस लिया है, तो जैसा समाज ने कहा है मैं तो समाज का अंग हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वो मैंने नहीं, वो तमाम देश ने कहा, जिन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया उनको सजा होनी चाहिए, वो आज मैं नहीं पूरा देश भी कह रहा, लेकिन किसानों से उसका कोई संबंध नहीं है, ना किसान शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो वो जो राष्ट्रद्रोही हैं, अब आप ही बताओ उन्हें क्या होना चाहिए, उनके लिए जो लाल किले के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे फौजी और लाखों लोग शहीद हुए, और उस पर क्या किया पूरे दुनिया में, क्या हमारी इमेज गई, पाकिस्तान जैसा देश क्या क्या लिख रहा है, तो उसके लिए हमने कहा था, उसका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। जी जी,
देखिए किसान जो है कभी भी ये कार्य नहीं कर सकता। मेरा ये कहना जो किसान है वो कभी भी तिरंगे पर लाल किले पर, क्योंकि टोटली जवान किसानों के बेटे हैं, तो इसलिए किसान पर सवाल या निशान नहीं लगाए। अब इसमें माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कोई मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं कहूँगा, कॉल की बात थी वो वापस हो गई है, लेकिन पूरे देश के अंदर हमारे भी खुद मेरे दादा भी 1857 में शहीद हुए हैं, और इसी तरह से मेरे खुद समाज के पूरे देश तो शहीद हुआ है। धन सिंह गुर्जर जो कोतवाल थे, मेरठ की क्रांति उनके नेतृत्व में हुई थी, और हमारे लाखों लोग शहीद हुए हैं। तो लाल किले के लिए कोई भी व्यक्ति जिस तरह तिरंगे का अपमान हुआ है, आज भी और पहले भी जो शहीद हुए हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन किसान ये नहीं कर सकता, ना किसान पर सवालिया निशान हो सकता, ये मेरा कहना है। और हमने तो अंग्रेज आए थे, आपको याद हो 2007 में जब हम छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सांकेतिक फहराया था झंडा लाल किले पे। भाई यतेंद्र नागर जी भी छात्र संघ अध्यक्ष थे उस टाइम, तो उस टाइम भी हमने उन अंग्रेजों का विरोध किया था, जिसमें 3 महीने कांग्रेस की सरकार थी, हम जेल गए थे देश के उस तिरंगे के लिए। तो इसी तरह पूरे देश में उबाल है, लेकिन किसान पर कोई निशान नहीं लगा रहा। किसान पूरी तरह से राष्ट्रवादी है, एक एक किसान ये सोच भी नहीं सकता। और जो माननीय मंत्री जी ने तय किया है, फिर हम कह रहे हैं उससे पूरे देश, क्योंकि हमारे पूरे समाज के नेता हैं, नहीं तो पूरे देश के अंदर क्या होता। जिस तरह से चारों तरफ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक गुर्जर समाज सड़कों पे था, लगातार पंचायतें चल रही थी कि 7 तारीख में वहीं धरना स्थल पर पूछा जाएगा कि हमें बदनाम क्यों किया गया। गुर्जर समाज 100% किसान है, तो उस बात को लेकर जो माननीय मंत्री जी ने फैसला कर दिया और पूरे समाज ने जो तय किया है, जो सारे डेलीगेट्स आए हैं, उसको हम सर माथे रखते हैं और स्वीकार करते हैं। इस कॉल को जैसे मंत्री जी ने कहा वापस ले लिया जाता है। लेकिन कश्मीर वाली एक